सम्यक दृष्टि को कभी राग हो नहीं सकता। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, ये मिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। सोने की बेड़ी और मिथ्या दृष्टि बेड़ी के लिए कुंद कुंद के समय सार को समझो। मिथ्या दृष्टि जो पूजा करता है, पुण्यवंद करता, बोले क्या फर्क पड़ता है, एक सोने की बेड़ी एक लोहे की बेड़ी, क्योंकि वो पूजा कर रहा है। सम्यक दृष्टि कभी पूजा करते ही नहीं, अर्थ क्रिया। सम्यक दृष्टि का अभाव कभी पूजा करने का होता नहीं, पूजा करने का भाव कभी होता नहीं, सम्यक दृष्टि का भाव कभी मुनि बनने का होता नहीं। बार सब चालू, सम्यक दृष्टि का भाव कभी दान देने का होता नहीं, सम्यक दृष्टि का भाव सामायिक करने का होता नहीं, सम्यक दृष्टि का भाव कभी भी प्रतिक्रमण करने का होता नहीं, और क्या बोल, याद नहीं आ रहा तो। जिन जिनको होता ही नहीं सम्यक दृष्टि का भाव है ही नहीं, राग भाव तो हो ही नहीं सकता, ये तो मिथ्या दृष्टि का भाव है। आहा महानुभाव, चेतो रे जागो, समझो समय सार को, जम संसारम पवे से दी। एक शब्द डाल दिया, भूल गए तो किम हो दि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। वह पुण्य, वह राग भाव सुशील कैसे हो सकता है भगवान के प्रति, पंच परमेश्वर के प्रति, जम संसारम पवे से दी। जो संसार में प्रवेश कराने वाला हो वो राग कैसे प्रशस्त हो सकता है, यहां राग है ही नहीं। समझो मेरे प्यारे भक्तों, दुश्मनों लोग कान बंद करो, समझो समझो, यदि सम्यक दृष्टि हो तो तुमने पूजा करने का भाव नहीं किया, तुमने तो पूज्य बनने की प्रक्रिया अपनाई है। अब पूज्य बनने की प्रक्रिया में पूजा आएगी। शिखर जी जाना है तो कटनी स्टेशन पड़ेगी, कटनी स्टेशन उतरना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन कटनी स्टेशन को हटा दे, नहीं कटनी स्टेशन हटाओ जब भी मेरी गाड़ी निकलेगी। अरे भाई वहां रुकना नहीं, वो तो पड़ेगी, गाड़ी पेट्रोल लेगी, गाड़ी को डीजल तो अपना जो कुछ करना प्रोसेस करेगी, तुम मत उतरो। इसी प्रकार पूजा में यदि तुम्हारी दृष्टि, व्यवहाराभासियों पूजा में हमेशा दृष्टि पूज्य बनने की होना चाहिए, नमोस्तु में हमेशा भगवान के गुणानुवा गुण प्राप्त करने को, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं, बस ये दृष्टि होना चाहिए। राग कहाँ है, पूज्य बनना भी राग है क्या, बोलो, नहीं हो सकता। आहार दान की प्रक्रिया कह रहा था, आहार दान देते समय तुम क्यों रखते हो कि मैं महाराज को आहार दान दे रहा हूं, तुम ये क्यों नहीं रखते हो कि आहार दान के बहाने मैं अपने पापों को धो रहा हूं। आहार देने का भाव करोगे ऊब जाओगे, जबरदस्ती चौका लगाना पड़ेगा, मन मार के चौका लगाना पड़ेगा, नौकरों को चौके में बुलाओगे। जिन जिन चौकों में नौकर काम करते हैं वे ही पापी मिथ्या दृष्टि हैं, जिन्होंने को साधु भार लग रहा है, जिन्होंने साधु को भिखारी भिकमंगा समझ रखा है, भैया चौका तो लगाओ, साधु भूखा थोड़ी रहेगा, मन पाप कमाओ। चक्रवर्ती की रानियां, कल कहा था ना मैंने, अपना पानी भी हाथ से उठा के नहीं पीती, लेकिन जब चौके की बात आती है तो सारी रानियां अपने हाथ से बना करके मुनराज के हाथ में आहार लगती है। नौकरों की कोई कमी नहीं है, चक्रवर्ती क्यों आहार देता है, रानियां क्यों आहार देती है, क्या उनके यहां नौकर नहीं है, अरे 10 नौकर लगा दें, जितने महाराज आए सबके भोजन करा देना। नहीं, चक्रवर्ती स्वयं जाकर के आहार देता है, रानी स्वयं जाकर के बना करके आहार देती है, क्योंकि ये धर्म स्वय क्रिया है। साधु को दृष्टि से निकाल दो, स्वय दृष्टि लाओ, उपादान दृष्टि लाओ। आहार देने के साधु को लाभ हो या ना हो, लेकिन देने वाले का तो भंडार भर गया, ये निश्चित।